बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। दिस इज़ योर कंप्यूटर बुक एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। ओपन योर बुक पेज नंबर 50। द एनिमिनेशन टेप। एनिमिनेशन आर साउंड एंड विजुअल इफेक्ट्स दैट यू कैन गिव टू द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। यानी एनिमिनेशन एंड साउंड एंड विजुअल इफ़ेक्ट्स, यानी कि हरकत पज़ीरी और आवाज़, ये जो होते हैं ये बसरी असरात होते हैं। दैट यू कैन गिव टू द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड, जो आप स्लाइड पर मौजूद जिनकी मदद से आप स्लाइड पर मौजूद मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप जो है दे सकते हैं आप इनको। द ऑब्जेक्ट कुड बी टेक्स, ग्राफिक्स, पिक्चर्स एंड चार्ट्स ETC। अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये ऑब्जेक्ट्स कुड बी हो सकते हैं, यानी टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स, तस्वीरें एंड चार्ट्स वगैरह हो सकते हैं। यानी इसमें स्लाइड पर चार्ट वगैरह में ग्राफिक तस्वीरें भी हो सकती हैं। दीज इफ़ेक्ट्स मेक दीज ऑब्जेक्ट्स कम इन टू लाइफ। दीज इफ़ेक्ट्स यानी ये जो हैं इफ़ेक्ट्स जो है वो सामीन की आप यूँ कह सकते हैं कि दिलचस्पी के लिए बनाया गया है, सॉरी, यानी ये असरात जो है इन शे को लाइफ में की तरफ लाती हैं, यानी इनको अपनी ज़िंदगी की तरफ लाती हैं। This is done to catch the attention of the audience for important points and to make the presentation more interesting. इनको आमतौर पर सामीन की दिलचस्पी के लिए किया जाता है, और इसके साथ जो है जो आपकी प्रेजेंटेशन होती है इसको मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए भी किया जाता है। To take it effective, you can set the order and timing of the animation. अब इसको आप जो है मज़ीद मौसर बनाने के लिए आप जो है आप क्या करते हैं, इसके ख़ात्मे का वक्त और जो है ऑर्डर का वक्त जो है आप मुकर्रर कर सकते हैं। द एनिमिनेशन टेप इज़ आफ्टर द ट्रांजिशन टेप। अब हमने पहले पढ़ा था ट्रांजिशन टेप के बारे में, अब हम जो है एनिमिनेशन टेप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि एनिमिनेशन टेप जो है वो ट्रांजिशन टेप के बाद आता है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड। ओके, अल्लाह हाफिज़।